लेटेस्ट वाली दुकान लगी, क्योंकि मैंने उस दुकान के बारे में बहुत ज्यादा सुना है और अभी तक मेरे को कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। ये मैंने इसके अंदर ही LEDs लगी हुई है छोटी छोटी, इसमें दो टाइप के शेड्स हैं। मैंने ली थी पूरी फुल किट, मुझे 120 रुपए की पड़ी थी, जिसका तो हेलो गाइस, तो भाई क्या हाल चाल है सबके यार। तो भाई फाइनली सॉरी यार भाई, मैं एक साल के गैप के बाद आज फिर से एक व्लॉग आज डाला जा रहा है, और व्लॉग का तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो भाई यार व्लॉग अभी थोड़ी देर में चालू करते हैं। जो नए बंदे हैं वो तो मेरे को पहली बार देख रहे हैं, जो पुराने हैं उनसे मैंने दो तीन बातें करनी कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, क्या क्या चक्कर थे। तो भाई वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा ना मेरे 12th के एग्ज़ाम थे और मैंने अभी अपने कॉलेज के एग्ज़ाम वगैरह दिए, तो मैं इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था भाई। तो उसकी एक बारी तुम क्लिप देख लो, स्कूटी का हाल क्या हो गया। तो भाई देखो ये मेरी स्कूटी का हाल हो गया था। तो भाई मेरे पैर में फ्रैक्चर भी आ गया था, मेरे दोस्तों वगैरह सब पूछ लेना है, मेरे पास स्नैप होगी तो मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। तो भाई ऐसे ऐसे करके दो तीन पार्ट होंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वो भी बिना किसी रोक टोक। तो भाई सबसे पहले मैं आपको इस बाइक का रिव्यू देता हूँ। ये बाइक मैंने एक जैन को ली थी, इसकी एक पहली सर्विस मैं करवा चुका हूँ और ये मेरी 2100 किलोमीटर कुछ चली गई है और ये 45 की 50 के बीच में मेरे को एवरेज दे रही है। अभी तो कोई इंजन में से कोई साउंड वाउंड नहीं आई है, ना ही अलॉय के चक्कर में मेरी कोई माइलेज कम हुई है। लोगों का मन में काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि भाई कि अलॉय के चक्कर में तुम्हारा अपना माइलेज वाइलेज कम आती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना अलॉय की बात करते हैं। तो भाई अलॉय जो है ये सारा काम मेरी बाइक में क्रोल बाग से हुआ है। तो ये जो अलॉय वाला काम है ये मैंने कराया था सचदेवा मोटर, जो कि मुझे वहाँ पे मतलब ये कहते हैं ना एक ट्रस्ट वाली दुकान लगी, क्योंकि मैंने उस दुकान के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और अभी तक मेरे को कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। ये मैंने ब्लैक कलर का लिया था, ये मर्सिडीज डिज़ाइन है प्राडो का ओरिजिनल, और इसकी 6 मंथ की गारंटी है। ब्लैक कलर में मैंने लिया था, अभी आप देख सकते हैं दोनों ये कितने ज़्यादा लुक एनहेंस करते हैं इस बाइक की। तो भाई ये मैंने अलॉय लगवाया था वहाँ से। और बात करते हैं हेडलाइट, ये जो हेडलाइट है ये मैंने बुलेट स्टूडियो क्रोल बाग से लगवाई थी। इसके अंदर ही LEDs लगी हुई है छोटी छोटी, इसमें दो टाइप के शेड्स हैं, मैं चला के दिखाता हूँ। ये एक DRL जलती है, ये एक DRL जलती है। जब मैं इसको पूरा रात को पूरा मतलब ये वाला वो करता हूँ ऑन, वाइट कलर की लाइट जब मैं ऑन करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा रोशनी देती है। मैंने ली थी 560 रुपये की ली थी ये मैंने क्रोल बाग बुलेट स्टूडियो से, ठीक है। और बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स, तो भाई इंडिकेटर्स जो है ये इसकी ये रनिंग नहीं है, ये इसको KTM इंडिकेटर्स कहते हैं, लोकल चाइनीज़ है। ये 100 रुपये का एक पीस मिलता है, मतलब 400 रुपये के चार ये मैंने लगवाए थे और 150 रुपये का फिटिंग चार्जेस दिया था। और इसके अंदर एक मॉक्सी नाम का एक वो आता है इंडिकेटर का, वो एक डब्बी आती है, उसके अंदर 16 पैटर्न होते हैं। मैं इसके अंदर ये जो इसका स्विच है मैंने इसीलिए लगवाया कि इंडिकेटर वगैरह मेरे सही चलते रहे, मतलब ये मेरा जो पैटर्न्स वाले इंडिकेटर है उसका है, ये नॉर्मल इंडिकेटर का ये वाला स्विच है, ठीक है। तो बात करते हैं मॉक्सी, ये मैंने मॉक्सी लिया था 250 रुपये का, ये इतना सा एक डब्बी थी जो इसके अंदर मैंने लगवाई। इसके अंदर 18 पैटर्न्स है, जब भी मैं इसको बंद करके चालू करूँगा तो ये बार बार चेंज होती रहेगी। यहाँ एक बार यहाँ से आके दिखाओ, ये देखो ये फर्स्ट पैटर्न इसका चल रहा है, अब ये सेकेंड चलेगा, ये थर्ड चल रहा है, ये फोर्थ चल रहा है, ये फिफ्थ चल रहा है, ये सिक्स, ऐसे करके बार बार चेंज होता रहेगा। इसमें 18 पैटर्न है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये इंडिकेटर अपना इसके अंदर 18 पैटर्न है, ठीक है। और सबसे हेडलाइट की बात हमने कर ली, और बात करते हैं टैंक की। ये जो टैंक है ये भाई टैंक मतलब टैंक के अंदर ना सबसे ज़्यादा मतलब स्क्रैच वगैरह चढ़ते रहते हैं, मतलब टैंक पे सबसे ज़्यादा स्क्रैच आते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक लेमिनेशन करा के दिया, स्मोक टेप करवाई है, जो कि ये 500 रुपये उसने चार्ज किया था क्रोल बाग के अंदर ही।
तो भाई इसके अंदर उसने एक साल भर की गारंटी दी है, साल भर में आप आके इसको चेंज करा लेना, इसको चेंज कराते रहना चाहिए तभी आपकी टैंकी प्रोटेक्ट रहेगी। तो भाई ये मैंने टैंकी के ऊपर टेप कराई थी, इसका 500 चार्ज उसने लिया था। अब आते हैं ये बैक रेस्ट के ऊपर। तो भाई ये बैक रेस्ट जो था ये मैंने लिया था, ये मेरे अराउंड ये था 200 से लेकर 250 तक का था, ये ब्लैक कलर का, ये मैंने बुलेट स्टूडियो से ही लिया था। तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा इस बाइक की लुक एनहेंस करता है, ठीक है। और बात करते हैं बैक लाइट। तो भाई बैक लाइट के ऊपर ये मैंने गार्ड लगा रखा है 50 रुपये का। तो ये चारों का लिया था, उस समय जब मेरे पास पुराने इंडिकेटर थे तो मैंने सारा पूरी फुल किट ली थी, ये पूरी फुल किट मुझे 120 रुपये की पड़ी थी, जिसके अंदर चारों इंडिकेटर का था और एक आगे हेडलाइट का। अभी मैंने खाली फ़िलहाल एक बैक लाइट पे ही लगा रखा है ये, और मैंने इसके अंदर ये जो लाल कलर का एक ग्लास आता है वो मैंने रिप्लेस करके वाइट कलर का लगाया है, कि जो बल्ब की जो रोशनी है वो ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, बाहर निकले और अच्छे से इसकी लुक प्रॉपर आए। और ये जो इसका बल्ब है ये रेड कलर का मैंने ब्लिंकर लगवा रखा है, जब भी मैं ब्रेक दबाऊंगा तो ये ब्लिंक करते हुए जलता है, और ये रात को बहुत ज़्यादा बाइक की लुक एनहेंस होती है इससे, ठीक है। और लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा वो होता है, भाई हम ये कहाँ से कटवाएं, कौन इसको प्रॉपर काट पाएगा या कुछ भी होता है। तो भाई ये मैंने क्रोल बाग से कटवाया था, 50 रुपये के अंदर ये मैंने कटवा लिया था, मतलब एक नॉर्मल मिस्त्री ने काट दिया था। और ये जो है ये पहले नीचे लगा हुआ था, ये मैंने बोला था भाई ऊपर लगा दिया, रात को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो आते हैं इसकी नंबर प्लेट की गार्ड, ये मतलब 100 रुपये के दो आए थे, ये मैंने वहीं से कटवा लिए थे। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ हॉर्न। तो भाई हॉर्न जो है इसके अंदर ये बॉस के लगे हुए, मैंने 800 रुपये के लगवाए थे, 800 रुपये के हॉर्न लगवाए थे, इसके अंदर रिले वगैरह लगी हुई है, और 200 रुपये फिटिंग चार्ज थे, 1000 रुपये का मेरा हॉर्न का सेटअप पड़ा था। ये मैं आपको इसकी साउंड भी सुनाता हूँ, हॉर्न की बहुत ज़्यादा लाउड है, और दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा हॉर्न पे चलान हो रहे, तो भाई इसका कोई चलान नहीं है, तो मैंने यही लगवाया है। अभी तक मेरी बाइक में जितना भी काम हुआ है उस पर कोई भी चलान नहीं होगा, मतलब सारी चीज़ें ठीक से लगवाई गई हैं, मैंने कोई ऐसी चलान वाली चीज़ नहीं लगाई जिससे चलान हो। और एक जाली भाई, ये जाली तो मतलब आप पूछो मत, ये मैंने कहीं से नहीं ली है, खुद घर पे जुगाड़ करा, ये हार्डवेयर से जाके मैं जाली लाया था, और पूरा नाप लेके देख रहे हो ना, पूरा नट बोल्ट वगैरह बना के मैंने घर पे जाली बनाई थी। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ लुक एनहेंस करती है, थोड़ी बहुत मिट्टी कहते हैं जो मोटा मोटा कीचड़ होता है वो इंजन तक नहीं जा पाता, तो मैंने ये खुद ही घर पर बना के लगाई थी। मान लो मुझे 100 रुपये का काम पड़ा था घर पर अगर ये मैंने जो किया है, ठीक है। तो भाई, तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और गाइस जो मेरे YouTube के पुराने बंदे हैं तो भाई उनके लिए सॉरी यार, मैं मजाक से हट के इतने टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। और जो बंदे नए भी देख रहे हैं तो भाई इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, आगे आने वाले टाइम में मतलब कहते हैं ना बहुत तगड़ी वीडियो डालने वाला हूँ, अगर मेरे को इस वीडियो से अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, या मतलब कहते हैं ना मतलब स्प्लेंडर फ्लेवर जितने भी हैं तो भाई दबा के इसको शेयर करना, अच्छे से शेयर करना, एंड कर देना, और भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और भाई जय भारत।